अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग 5 मिनट्स मेकअप चैलेंज। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल वगैरह करके, वज़ू वगैरह करके, और मैंने कहा कि चले जी आज हम 5 मिनट का अपना मेकअप चैलेंज कर लेते हैं। मेकअप चैलेंज करने के लिए 5 मिनट्स का, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि स्किन आपकी इतनी ऑयली हुई है कि मतलब आप चेहरे पे कुछ भी लगाओगे ना तो वो चिपचिप सा फील होगा। इसलिए गर्मी में आप कोशिश करें कि बेसिस से अवॉइड करें, कंसीलर को यूज़ करें, सनस्क्रीन्स को यूज़ करें, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। सबसे पहले मैंने, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया अच्छे तरीके से क्लिंजिंग मिल से। मैंने जब अच्छे तरीके से स्किन मेरी मॉइस्चराइज होगी, उसके बाद मैंने वाइटनिंग एसेंस का ब्राइटनिंग सीरम लगाया जो ग्लूटाथायोन मिक्स्ड विद ग्लूटाथायोन है। और जो ये सीरम है इंतहाई अफेक्टेड फॉर द स्किन। उसके बाद हमने टोनअप यूज़ किया उसी ब्रांड का वाइटनिंग एसेंस वालों का। ये मॉइस्चराइजिंग का काम भी करता है और इससे हमारी जो स्किन की अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं ना, प्रेप आराम सुकून से अच्छे तरीके से बन गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी स्किन में एक्ने नहीं आने देती, स्कार्स नहीं बनने देती, इचिंग नहीं होने देती और आपकी स्किन को जो है हर वक्त ना सॉफ्ट बना के रखती है। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं है चीज़ें तो कोई इसमें ये नहीं है कि यार आप लोग यही चीज़ें यूज़ करो। बस गर्मियों में सिर्फ इतना ही हो सकता है, यूज़ मॉइस्चराइज़र, उसके बाद कोई भी आपके पास सनस्क्रीन है वो यूज़ करें। एंड देन लाइट सा अगर कोई कंसीलर यूज़ करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं तो यूज़ कर सकते हैं, इट्स इनफ। खैर, मैंने टॉनिक यूज़ किया। टॉनिक यूज़ करने के बाद वाइट एसेंस वालों का मेरे पास सनस्क्रीन था, आप लोग देख सकते हैं SPF 50 इसका वाइटनिंग एसेंस वालों का था। इसकी बिल्कुल विदाउट वाइट कास्ट है ये, और ये मेरे पास पहली पैकेजिंग में था क्योंकि अभी मैंने न्यू नहीं मंगवाई और आई डोंट नो कि वो कैसी होगी, लेकिन पहली पैकेजिंग इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है। इसके बाद मैंने ये BB क्रीम यूज़ की, 6 in 1 है आई थिंक। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने पाप में बिल्कुल ज़रा सी ली है। ज़रा सी लेने के बाद ये आपके चेहरे में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है। मोस्टली अगर आपने शादियों पे भी ये काम करना हो ना तो आप इसको ही यूज़ करें। मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको यूज़ करें, बिकॉज इससे तो एक तो आपके फेस पर स्वेटिंग नहीं आती, कोई एक्ने नहीं होती या कोई इस तरह से ना चेहरे में मतलब लाइक पिंपल हो या कुछ इस तरह से स्वेट चल, उस तरह से नहीं होती। जैसे हमारी बेस फट जाती है, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, इससे वो चीज़ नहीं होती। अच्छे तरीके से हमने अपने चेहरों को पहले मॉइस्चराइज़ किया, देन हमने वो यूज़ की सनस्क्रीन, उसके बाद हमने लाइट सी डेली बेस पे 6 in 1 जो है बेबी क्रीम वो यूज़ की। इसके बाद हमने क्या कहते हैं अपने फेस को पिंकिश बनाने के लिए हमने ब्लश ऑन, लिक्विड ब्लश ऑन यूज़ किया, और आई थिंक ये मुझे याद नहीं है मतलब किस ब्रांड का है और क्या है, मुझे आई रियली डोंट नो, बट लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा आपके हाथों पे वो उंगलियों पे वो निशान नहीं छोड़ता होता है ना, कि बाज़ ऐसे इतने डार्क होते हैं कि हमारी उंगलियों में उसकी पिगमेंटेशंस या इतने वो ज़्यादा होते हैं कि वो कलर छोड़ना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मोस्टली फिर हमने लिपस्टिक लगाई, लिपस्टिक लगाने के बाद हम हो गए प्रॉपर तैयार। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गए। ये मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो वीडियोस के चक्कर में फिर भी यहाँ पे इतना कुछ करती हूँ, लेकिन अगर हमारी माँ को देखो ना तो मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह हूँ। मैंने कहीं पर भी जाना होता है ना तो मैं, वो कहते हैं ना छठ मंगनी थे फट गया, तो मैंने छठ अपने मुंह पे लगानी होती है, सिर्फ एक सनस्क्रीन और मैं बीबी क्रीम को मिक्स कर देती हूँ ऐड करके, और लिपस्टिक